अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से जो हैं हम भी ठीक हैं। तो आज जो है फाइनली हमारी जो है तैयारी हो गई है कराची वापस जाने की। आज लास्ट डे है हमारा गांव में और टाइम हो रहा है 11 का और कपड़े कुछ कल धोए थे और कुछ जो कपड़े भी बच्चों के जो है मैंने धो ली भी साथ साथ अभी करती हूँ। और बन रही है मीठी टिकड़ियाँ और वो जो स्पेशल बन रही है बच्चों के लिए मीठी टिकड़ियाँ। और जो है मैं गाँव कराची से जो लाई थी गिफ्ट और वो जो वो क्या है वो मैं आपको अभी चल के कमरे में दिखाती हूँ। तो अभी जो है हुरैन मलाइका का ये वाला सूट जो है दोनों का जो है ये धुल चुका है और हुज़ैफ़ा का ये वाला सूट। और ये देखें सारी चीज़ें इस टाइम फैली हुई हैं और कल जो कपड़े लपेटे थे ना मैंने और इसमें जो है ऊपर नीचे हो गए सारे मिक्स हो गए। अभी बच्चों के कपड़े जो हैं अलग करती हूँ, अपने कपड़े इस बैग में डालती हूँ और चादर जो है मेरी यहाँ पर जलाई हूँ बेफजूल, एक दिन पहनी है मैंने और कोई फ़ायदा नहीं था। और बच्चों के बैग वगैरह ये देखें और ये दिए मेरी सासू माँ ने। और बाकी आपको दिखाती हूँ कि उनके लिए मैं क्या लाई थी, उनके लिए जो है मैं क्या लेके आई थी वो भी आपको दिखाती हूँ। और मुझे टाइम नहीं मिला और दिख देने का तो आपको मैं जो है बैठ के दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या लेके आई थी कराची से, वो देना भी बहुत ज़रूरी था। ये देखें ये है सूट और ये है इनके अब्बू का और ये है इनकी अम्मी का सूट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें ये देखिए खिड़की जो है मैंने खोली भी यहाँ से और यहाँ पे ये देखें। और ये सूट जो है अभी जाके उनको दे के आती हूँ और आपको दिखाते हैं किचन में क्या बन रहा है। ये देखिए पतीली में जो है सारा बना के रखा हुआ है, यहाँ पे जो है टिकड़ियाँ जो हैं काफ़ी सारी बना के रख दी हैं जिसमें से फ़िलहाल जो है दो बनाई हुई हैं। ये देखिए अभी जो है निकाली हैं, बाकी जो हैं ये देखिए प्लेट में पड़ी और बाकी जो हैं चार चार करके जो हैं बना रहे हैं। और जैसे ये बन जाएंगे और ठंडी करेंगे फिर जो है साथ ले कर जो है जाएँगे। तो जब तक ये बन जाए जी पैकिंग जो है मैंने कर ली है और देखिए सामान इस बैग में जो है खाने का सामान डालेंगे, ये बैग भी तैयार हो गया और एक ये बैग और इस बैग में भी देखूंगी कोई चीज़ें आ गई तो इसमें भी रख लूंगी। और मलाइका का सूट और हुरैन का जो मैंने निकाल लिया, इन्होंने ये वाला पहनना है, हुरैन जो है ये वाला सूट पहनेगी और मलाइका जो अपना मलाइका अपना ये वाला सूट पहनेगी लोन का। और मेरा जो है सूट ये वाला ब्लैक वाला ये मैंने निकाल लिया और इस्त्री नहीं करी, इस्त्री के बगैर मैं पहन लूँगी। और यह देखो हुरैन की हालत, इसको जो है भी मैंने नहलाना भी है गंदा पुट। अच्छा ये आप खुद ला लेना। ये देखें ये जो है आटा हमारे साथ जाएगा और इसको जो है कल हमने पिसवाई करवा ली है। और ये देखें ये आटा भी, टिकड़ियाँ जो हमारी तैयार हो गई हैं यहाँ पे रखी हुई हैं, ठंडी हो रही हैं। ये देखें अब ये टिकड़ियाँ जो हैं ठंडी हो जाएंगी और ये मैंने खाई भी है ये देखें। और अभी ये गर्म है, जब ठंडी हो जाएगी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। चलो सामान जो सारा पैक हो गया असलीम, वो ना कोई रस्सी हो ना तो उसको बांध ले हम लोग आटे की बोरी को भी और उस सामान को भी। घर से जो है हम निकल चुके हैं, कम से कम हमें आधा घंटा हो चुका है और बस अभी स्टेशन भी जो है हम लोग यहाँ पे आ गए स्टेशन के। ये अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ पे ये देखें साथ ही हमारे नहर रोड पे जो है यहाँ पे नहर भी जा रही है ये देखें। चलें जी अभी चलते हैं हम लोग। हुरैन ने मेरा बैग उठा लिया और अपनी चीज़ें। चलें जी हम लोग पहुंच गए अब सुजाबाद स्टेशन, तो अभी बस चलते हैं अंदर। चलो चलो भाई चलो कराची। हाँ जी यहाँ से आएगी मुल्तान इस साइड से और इस साइड से जाएगी कराची वापस। यहाँ पे पड़ा हमारा सामान आ गया। चलो भाई चलते रहो स्टेशन चलते रहो।
गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो इससे ज्यादा चोटें वगैरह जो हैं नहीं आई, और इसके पापा ने भी आराम से इसे बिठा दिए, और ये भी शुक्र है कि बाइक नहीं जा रही थी और रुकी हुई थी जगह पे। मेरा बेटा खा पी रहा है आराम से, एंजॉय कर रहा है बेटा मेरा। बिल्ले मेरी बेटियां भी माशाल्लाह। चले जी, ट्रेन हमारी जो आ गई है अभी, और अभी जैसे ही रुकती है और फिर हम लोग जो है बैठते हैं। ये है हमारा स्टेशन शुजाबाद। ये देखें बहुत खूबसूरत बनाया माशाल्लाह। मुल्तान से कराची तक ना सबसे खूबसूरत अगर बोला जाए ना कि कौन सा स्टेशन प्यारा, सबसे प्यारा अभी बन गया है बावलपुर का। ये देखें सबसे खूबसूरत माशाल्लाह। अभी गाड़ी चलने वाली, चलते हैं फिर मज़ीद आपको आगे दिखाएंगे कौन सा स्टेशन आते हैं। सुबह का टाइम है इस टाइम, और हम लोग जो है हैदराबाद क्रॉस कर गए। अभी जो है बच्चों के लिए चाय मंगवाई है और केक वगैरह भी अभी जो बच्चों को जो हम लोग देते हैं। ब्लैका हुए हैं, चाय ठंडी हो रही है। अभी जो इन्होंने ज़िद कर दी और हमें छोले खाने हैं, तो मैंने जो है इनको छोले लेके दे दिए और ये भी बैठ के वही खा रहे हैं। जयपा भी अभी जो है हमारा स्टेशन भी आ गया कैंट, और अभी गाड़ी जैसे ही रुकती है और फिर जो है हम सामान लेके नीचे उतरते और फिर चलते हैं घर की तरफ। चलो आ जाओ भाई, हुरैन आ जाओ। चलो उतारो इसे। चलो यार, यहाँ से 330 रुपए किलो। अभी बैठते हैं गाड़ी में, चलो हुरैन आगे हो जाओ। हुरैन पीछे हो जाओ, मलाइका पीछे हो जाओ जी। गाड़ी में बैठ गए हम लोग और अभी चलते हैं घर की तरफ।
हम लोग घर पहुंच गए और बैग जो है मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और इन बैगों में आते साथ जो अभी फ़िलहाल कपड़े नहीं निकाल रही, और पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद जो है बाकी सामान जो है समेटते हैं। सामान को जो अभी फ़िलहाल मैं नहीं खोलूँगी, क्योंकि खोल लिया तो सारे कपड़े फैल जाने, जैसे बैगों में पड़े रहेंगे। तो अभी जैसे सबसे पहले जो है मैं करूँगी नाश्ता, सब बच्चों को भी करवाऊँगी नाश्ता। और ट्रेन में जैसे हल्की फुल्की जो हम लोगों ने चाय पी थी, और सलीम ने बस बच्चों के लिए जो बिस्किट वगैरह मंगा लिए थे, तो अभी सलीम गए हलवा पूड़ी लेने के लिए, और चाय मैंने कहा घर पे बना लेती हूँ। कह रहे थे चाय जो मैं होटल से ले आता हूँ आप थकी हुई, मैंने कहा नहीं चाय घर पे बना लेती हूँ, कुछ ज़्यादा बन जाएगी बाहर, आपको पता है एक कप आएगा और घर पे जो चार कप बन जाना है। तो अभी जो है रेस्ट करने के बाद जो है दोपहर को मैं जाऊँगी मार्केट, जिससे आपको पता है 14 अगस्त आ गई है, बच्चों के लेने कपड़े शॉपिंग करनी है, छोटी मोटी लाजमी करनी है, हर 14 अगस्त को हर कोई करता है, तो मैंने भी बच्चों की शॉपिंग वगैरह करनी है। कल 14 अगस्त आ गई है, टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं है, तो शाम में बाकी सफाई जो शाम में करूँगी। तो वीडियो का यहीं पे करती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।